नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं दो ट्रैक्टर का कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज स्वराज 744 XT 4 स्टार और महिंद्रा 575 DI XP प्लस में दोनों में कंपैरिजन वीडियो रहेगा। दोनों ही 575 आता है 47 हॉर्स पावर की कैटेगरी में और 744 4 स्टार आता है 50 हॉर्स पावर की कैटेगरी के अंदर। तो दोनों ट्रैक्टर में कंपैरिजन वीडियो रहेगी। सीसी पावर के बारे में सब कुछ इस ट्रैक्टर में मैं इस वीडियो में ब्रीफ कंपैरिजन करूंगा और एंड में आपको बताना है कि कौन सा ट्रैक्टर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं वीडियो में 575 का क्लियर कर दूंगा सब कुछ। महिंद्रा 575 लुकिंग की और ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई में भी ट्रैक्टर का काफ़ी ऊंचाई है। ब्रांडिंग की कलर की बात करूं, मेटेलिक पेंट मिलता है, काफ़ी ऊंचाई ट्रैक्टर में। फ्रंट में आपको हैवी वेट मिलेगा और एक्सल की बात करें, धनुष के आकार का इस ट्रैक्टर में आपको एक्सल देखने को मिलेगा। क्रोम फिनिश के साथ इसमें आपको बैचिंग मिलेगी महिंद्रा की फ्रंट में और ग्रिल मिलेगी, डिजाइनिंग ग्रिल। और बाहर की तरफ इसमें आपको लाइट के बोनेट के अंदर लाइट नहीं देखने को मिलेगी, बाहर की तरफ आपको इसकी लाइट देखने को मिलेगी। ट्रैक्टर में फ्रंट टायर की साइज़ की बात करें, इस ट्रैक्टर में आपको फ्रंट टायर 616 का फ्रंट टायर का साइज़ देखने को मिलेगा। और ट्रैक्टर की ब्रांडिंग की बात करें तो काफ़ी शानदार, स्वराज 744 XT से बहुत बेहतरीन इस ट्रैक्टर की ब्रांडिंग है जो कि क्रोम फिनिश के अंदर आ रही है। और 4 सिलेंडर पावर रहेगी इस ट्रैक्टर में और 47 हॉर्स पावर के इस ट्रैक्टर का इंजन है। भूमिपुत्रा सीरीज का ट्रैक्टर है। 2969 CC पावर इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेगी और इस ट्रैक्टर में आपको 2000 इंजन रेटेड RPM देखने को मिलेगा। वाटर कूल्ड कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। 3 स्टेज का ऑल बार टाइप का एयर क्लीनर देखने को मिलेगा जो कि प्री क्लीनर के साथ देखने को मिलेगा आपको। 42 हॉर्स पावर के इसका PTU हॉर्स पावर भी आपको देखने को मिलेगा। इनलाइन पंप की बात करें तो इसमें आपको फ्यूल पंप इनलाइन टाइप का देखने को मिलेगा। और जो सबसे मेन बात एवरेज और इसकी टॉर्क की, 178.6 NM का इस ट्रैक्टर में आपको टॉर्क देखने को मिलेगा। कभी भी किसान भाई ट्रैक्टर देता है तो उसको एवरेज और टॉर्क पावर देखनी चाहिए। 178 NM की इस ट्रैक्टर में काफ़ी शानदार टॉर्क बैकअप आपको देखने को मिल रहा है। भूमिपुत्रा सीरीज का ट्रैक्टर है। और लुकिंग की बात करूँ, A1 कंपैरिजन की बात करें तो मुझे महिंद्रा 575 का पर्सनली लुक काफ़ी शानदार लगा। ब्रांडिंग भी काफ़ी शानदार है, पेंट भी इस ट्रैक्टर का काफ़ी शानदार है। 4 सिलेंडर पावर है, बोसिच कंपनी का इनलाइन पंप के साथ देखने को मिलेगा। उस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर पावर मिलेगी और यहाँ पे आपको सिंगल डीजल फिल्टर देखने को मिलेगा। उस ट्रैक्टर में आपको ड्यूल डीजल फिल्टर देखने को मिलेगा, एक मिलेगा प्राइमरी एक सेकेंडरी। और 6 साल और 6000 घंटे इस ट्रैक्टर में आपको वारंटी देखने को मिलेगी। बाकी कोई आज तक ट्रैक्टर लाइन में 6 साल और 6000 घंटे की वारंटी कोई कंपनी नहीं देती महिंद्रा के अलावा। और इस ट्रैक्टर की खासियत है MKM, यहाँ पर आपको बैचिंग में मिलेगी। MKM का मतलब है माइलेज का मास्टर। इस ट्रैक्टर की एवरेज की बात करें तो सभी ट्रैक्टर को फेल कर रहा है ट्रैक्टर एवरेज में। ट्रैक्टर का ये कंपनी महिंद्रा के से ज़्यादा कोई, महिंद्रा कंपनी के अलावा कोई भी ट्रैक्टर एवरेज इतना नहीं दे पाता। स्टीयरिंग की बात करें तो आपको वही सेम लुक देखने को मिलेगा, डिजिटल मीटर है, महिंद्रा की बैचिंग देखने को मिलेगी। ट्रांसमिशन की बात करें तो सेंटर शिफ्ट गियरबॉक्स मिलेगा, साइड शिफ्ट नहीं मिलेगा। पार्शियल कॉन्स्टेंट मैच टाइप का गियरबॉक्स मिलेगा। चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी यहाँ पे आपको, आप अपना फोन चार्ज लगा सकते हैं अच्छी प्रोटेक्शन के साथ। सिंगल और ड्यूल क्लच का आपको ऑप्शन रहेगा। 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर ट्रैक्टर में देखने को मिलेगी। फॉरवर्ड की मैक्सिमम स्पीड इस सेक्टर की बात करें 31.3 किलोमीटर पर आर की फॉरवर्ड की मैक्सिमम स्पीड रहेगी। और यहाँ पे आपको PC लीवर और ड्राफ्ट लीवर दोनों देखने को मिलेंगे। रिवर्स स्पीड 12.5 किलोमीटर पर आर की इस सेक्टर में आपको रिवर्स स्पीड देखने को मिलेगी। ट्रैक्टर में आपको ऑयल इमर्स ब्रेक मिलेगी, CRPTO ड्यूल क्लच आपको सेक्टर में देखने को मिलेगा। कंफर्टेबल एडजस्टेबल सीट रहेगी, ऑल इमर्स ब्रेक मिलेंगे। मैकेनिकल और पावर स्टीयरिंग का आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं, मैकेनिकल और पावर स्टीयरिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा। और व्हील पीछे वाले की बात करें तो 14x28 के सेक्टर में आपको पीछे वाले टायर का साइज मिलेगा, जिसमें आपको कोई मतलब कि इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला, सिर्फ आपको 14x28 का मिलेगा। मैकेनिकल और पावर स्टीयरिंग ऑप्शन रहेगा। सिंगल ड्रॉप आर्म के साथ इसका स्टीयरिंग कॉलम देखने को मिलेगा। पावर की बात करें इस ट्रैक्टर में आपको 6 स्पैन की PTO मिलेगी, 540 चक्र के साथ 1890 RPM के साथ। वेट की बात करें 1890 kg ट्रैक्टर का खुद का कुल वजन है, 1960 mm का इसका व्हील बेस है। और हाइड्रोलिक कैपेसिटी की बात करें 1480 kg से लेकर 1800 kg तक या 2000 kg तक ये ट्रैक्टर वजन उठा लेता है, कोई इसका ज़्यादा दुराई नहीं है। इसमें आपको 2 टाइप के लिंकेज मिलेंगे, डबल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलेगा। यहाँ पे छोटी लाइट रिफ्लेक्टर और बोटल होल्डर आपको पीछे की तरफ देखने को मिलेगा। इस ट्रैक्टर में आपको हुक और ड्रॉबार, हुड और बम्पर एसेसरी आपको साथ में मिलेगी। 6 साल और 6000 घंटे की इस ट्रैक्टर में आपको एक अच्छी ब्रांड वारंटी मिल रही है। यहाँ पे लोहे का आपको टूल बॉक्स देखने को मिलेगा। डबल डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब कि आजकल जैसे ट्रैक्टर पे मिनी JCB काफ़ी नए इंप्लीमेंट आ रहे हैं, कंप्यूटर करावा वगैरह सभी इस ट्रैक्टर में आप लगा के लगा सकते हैं, मिनी JCB भी बना सकते हैं। डबल डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन रहता है। 4700 इस ट्रैक्टर में आपको CC पावर ज़्यादा देखने को मिलेगी। और पीछे का लुक दिखाऊँ तो पीछे का लुक भी ट्रैक्टर का, दोनों ट्रैक्टरों का अच्छा है। कंपैरिजन में मुझे आप बताना कि आपको कौन से ट्रैक्टर का लुक ज़्यादा अच्छा लगा। लुकिंग की बात करें तो ट्रैक्टर मुझे महिंद्रा का ज़्यादा अच्छा लुक लगा।
कलर की बात करें, कलर में भी काफ़ी शानदार महिंद्रा का मेटेलिक आपको पेंट मिलेगा, दोनों में मेटेलिक मिल रहा है, तो काफ़ी शाइनिंग आपको महिंद्रा वाले ट्रैक्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अपने स्वराज 744 XT की। स्वराज 744 XT फ्रंट में स्वराज की अच्छी ब्रांडिंग विदाउट कोई क्रोम फिनिश के साथ नहीं है, कलर के साथ मैच करे हुई ब्रांडिंग। ड्यूल आपको इसमें आपको फ्रंट में लाइट मिलेगी जो कि बोनेट के अंदर वाली साइड है। फ्रंट में आपको एडजस्टेबल एक्सल मिलेगा, उस ट्रैक्टर में आपको एडजस्टेबल स्ट्रेट एक्सल नहीं मिलेगा, इसमें आपको अपने सुविधा अनुसार एडजस्ट कर पाएंगे। और काफ़ी इस ट्रैक्टर की ऊंचाई उस ट्रैक्टर से ज़्यादा आपको देखने में मिलेगी 575 से। स्वराज की शानदार ब्रांडिंग, एडजस्टेबल एक्सल आपको आप अपनी सुविधा अनुसार एडजस्टेबल एक्सल को सेट कर पाएंगे। स्वराज की ब्रांडिंग 3 सिलेंडर पावर है, वो ट्रैक्टर 4 सिलेंडर पावर के साथ था, 47 हॉर्स पावर का उसका इंजन था। इस ट्रैक्टर में आपको 50 हॉर्स पावर का इंजन मिलेगा। व्हील की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 6/16 और 7/50/16 का फ्रंट का आपको ऑप्शन मिलेगा। रिवर्स पीडियो की आपको ब्रांडिंग स्वराज 744 XT की सिंपल ब्रांडिंग विदाउट कोई क्रोम फिनिश के साथ। ट्रैक्टर की इंजन की कैपेसिटी की बात करें तो फोर्स्टर आपको 5 स्टार होगी, 5 स्टार ट्रैक्टर है, 4 स्टार ट्रैक्टर नहीं है, गलती से मैंने बोल दिया था, 5 स्टार ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा। 3 सिलेंडर पावर है ये। HP कैटेगरी की बात करें तो 50 हॉर्स पावर के इसमें इंजन मिलेगा आपको। ड्यूल डीजल फिल्टर रहेगा, उस ट्रैक्टर में सिंगल डीजल फिल्टर मिल रहा था, प्राइमरी और सेकेंडरी मिलेगा। 3 सिलेंडर पावर, उस ट्रैक्टर में आपको 4 सिलेंडर पावर मिलेगी, बोसेज कंपनी का एलएन पंप मिलेगा। इस ट्रैक्टर में आपको अलग से वाटर सेपरेटर भी मिलेगा, अगर गलती से डीजल टैंक में पानी चला जाए तो पानी अपने आप सेपरेट हो जाएगा। 3478 सीसी पावर, उस ट्रैक्टर से ज़्यादा आपको सीसी पावर मिलेगी। 2000 जनरेटेड RPM मिलेगा इस ट्रैक्टर में। वाटर कोल्ड कूलिंग सिस्टम रहेगा और इस ट्रैक्टर में वेट टाइप के एयर क्लीनर मिलेगा विदाउट कोई प्री क्लीनर, उसमें आपको प्री क्लीनर के साथ मिलेगा। एडजस्टेबल दोनों ट्रैक्टर में कंफर्टेबल सीट मिलेगी। 44 हॉर्स पावर का इसमें PTO पावर देखने को मिलेगा, उसमें 42 का था। एयर फिल्टर वेट टाइप का, फ्यूल पंप उस दोनों ट्रैक्टर में इनलाइन मिलेगा। इसका स्टेयरिंग मुझे इस ट्रैक्टर का ज़्यादा अच्छा लगा। इस ट्रैक्टर में आपको डिजिटल मीटर नहीं देखने को मिलेगा, ये सबसे मुझे इसका गंदी बात लगी, डिजिटल कंपनी को मीटर देना चाहिए था। ट्रांसमिशन की बात करें ट्रैक्टर में 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर देखने को मिलेंगे। ड्यूल और सिंगल क्लच का आपको ऑप्शन मिलेगा। कॉन्स्टेंट मैश और स्लाइडिंग मैश का गियर बॉक्स मिलेगा इस ट्रैक्टर में आपको। यहाँ पे आपको फुटरेस्ट मिलेगा, आप अपने पैर रख सकते हैं आराम से, काफ़ी कंफर्टेबल आपको चीज मिलेगी। मल्टीप्लेट ऑयल इमर्स ब्रेक मिलेंगे इस ट्रैक्टर में आपको। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, दोनों ट्रैक्टर में आपको चार्जिंग पोर्ट मिलेगा जो कि एक अच्छी प्रोटेक्शन के साथ मिलेगा। पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर है दोनों ही, दोनों में आपको पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन मिलेगा। रिवर्स PTO के ट्रैक्टर में आपको अच्छी ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पे सारी वार्निंग, यहाँ पे चेसी नंबर, इंजन नंबर, सब कुछ ट्रैक्टर कब बना हुआ है। 540 RPM में ट्रैक्टर जनरेट करता है। फ्यूल टैंक की बात करें दोनों ट्रैक्टर का, 50 लीटर का फ्यूल टैंक का बैकअप है। वेट की बात करें 2070 kg का इस ट्रैक्टर में आपको वजन मिलेगा। उस ट्रैक्टर में आपको वजन 1980 के वजन मिल रहा है और इसमें इस ट्रैक्टर का वजन ज़्यादा है। 2096 mm का व्हील बेस है। लंबाई इस ट्रैक्टर में 3342 mm की लंबाई मिलेगी और विड्थ चौड़ाई की बात करें तो 1945 mm की चौड़ाई मिलेगी। 700 इस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक कैपेसिटी की बात करें 1700 kg ट्रैक्टर है। वेट दोनों ट्रैक्टर सेम उठा सकते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा उठाएगा क्योंकि 3 HP पावर इसकी ज़्यादा है। ADDC टाइप की हाइड्रोलिक मिलेगी, डबल डिस्ट्रीब्यूटर दोनों ट्रैक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन डबल आपको सेम मिलेगा। ट्रैक्टर में रिफ्लेक्टर और बोतल होल्डर मिलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आप अपने सुविधा अनुसार सेट कर पाएंगे। प्लास्टिक का टूल बॉक्स और ट्रैक्टर में आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा और 3 सेंस पावर मिलेगी, आप अपने इंप्लीमेंट जोड़ के चला सकते हैं। और इसमें आपको व्हील टायर की बात करें 2WD का ऑप्शन रहेगा। पीछे वाले टायर का साइज़ की बात करें तो 14/28 का पीछे वाले टायर का साइज़ मिलेगा। अब बात करते हैं वारंटी की, 2000 घंटे और 2 साल की इस ट्रैक्टर में आपको वारंटी मिलने वाली है। और जो कि महिंद्रा में बात करें तो उसमें 6 साल और 6000 घंटे की वारंटी मिलेगी। और ट्रैक्टर में आपको प्राइस की बात करें 6,98,000 से लेकर 7,50,000 तक इसका प्राइस रहता है, प्राइस उसका भी इतना रहेगा। और दोनों ट्रैक्टर सिंस 97.4 की आपको ब्रांडिंग मिलेगी ट्रैक्टर में आपको। दोनों ट्रैक्टर काफ़ी शानदार है, मैंने आपको ब्रीफ कंपैरिजन कर दिया है ट्रैक्टर में। अब आपको मैं नीचे थंबनेल दूंगा, नीचे आपको सबटाइटल मिलेंगे, आप उसको देख के दोनों ट्रैक्टर का मैं कंपैरिजन करता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।